नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं के ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेरीज आती हैं कि गर्भ के अंदर बेटा जल्दी हलचल करता है या फिर बेटी जल्दी हलचल करती है, और ये आपके भी मन में ज़रूर सवाल आते होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें दोनों ही बातें बताऊँगी, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी और मेडिकल साइंस क्या कहती है, क्या सच में बेटा जल्दी हलचल करता है और बेटी लेट हलचल करती है, या फिर इसके पीछे सच्चाई क्या है कि बेटा और बेटी होने पे हलचल कैसा महसूस होता है, किस तरफ महसूस होता है। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके बेहद काम आने वाली है। फ्रेंड्स देखिए, जब आपका छठा हफ्ता चालू हो जाता है, 6 वीक्स हो जाते हैं, तब तक बेबी की मूवमेंट आपको पता नहीं लगती है, क्योंकि बेबी का इंटरनल ऑर्गन डेवलप होता रहता है। लेकिन जैसे ही अगर आपकी प्रेगनेंसी 4th महीने क्रॉस कर जाती है, तो कभी भी आपको बेबी का मूवमेंट फील हो सकता है। ये 4.5 महीने में भी हो सकता है, 4 महीने में भी हो सकता है। सबसे पहले बच्चे की हलचल या मूवमेंट बहुत ही कम, जैसे हार्ट धड़कता है, दिल पंप करता है, कुछ ऐसे गुदगुदी के जैसे एहसास दिलाती है, ये आपके नाभि के तुरंत नीचे वाले भाग में, हिस्से में, कहीं पे भी हो सकता है। और इसी के बाद जब बच्चे का विकास होता है, उसका शरीर बढ़ने लगता है, तो बच्चा आपको पूरे पेट में घूमता हुआ महसूस होगा। लेकिन जब आप आराम करती हैं, उसी समय आप महसूस करेंगे कि बच्चा या तो राइट साइड ज़्यादा मूव कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड ज़्यादा मूव कर रहा है, या फिर आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा कि बच्चा किस तरफ इस समय लेटा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है। कुछ रिसर्चेस के हिसाब से हमारे पास ये जानकारी आई कि स्टडीज़ में हमने जाना कि बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप लेटे हुए रहते हैं, तो उस समय बेबी की मूवमेंट ज़्यादा होती है। वो समय होता है जब बच्चा जागता है और खेलता है। लेकिन जब आप कुछ काम करते रहते हैं, तो एक तो आपका ध्यान इतना नहीं रहता, और दूसरा जब आप हिलती डुलती रहती हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है और वो सो जाता है घर के अंदर। अगर आप इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें, तो जब आप बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो और आप हिल रहे हो, तो आपको नींद आने लगती है। ऐसे ही कुछ गर्भ में बच्चे के साथ भी होता है। दूसरी चीज़, जब ऐसा होता है महिलाओं के साथ, तो उनके मन में हमेशा ख्याल आता है कि क्या इससे हलचल से हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पहले बताती हूँ। गर्भ में कभी भी आपकी मूवमेंट लेफ्ट या राइट साइड स्टार्टिंग में नहीं होती है, ये पूरे पेट में होती है। और दोस्तों, मुझे भी पूरे पेट में ही महसूस होता था, ना लेफ्ट ज़्यादा ना राइट ज़्यादा। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने लेफ्ट हैंड पे ही ज़्यादा फील किया कि मुझे बेबी की मूवमेंट हो रही है। इसका 2 रीज़न होता है। जहाँ पे बेबी को कंफर्ट फील होता है, बेबी वहीं पे मूव ज़्यादा करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में भी हर एक कोना होता है, लेकिन हमें 1-2 कोने ऐसे अच्छे लगते हैं जहाँ पे हम बैठना सुकून से पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही घर में बेबी का पूरा संसार होता है। बेबी जब मूव करना स्टार्ट करता है, उसको जहाँ पर अच्छा लगता है वहीं पर वो खेलता है, मूवमेंट करता है, और वहीं पे ज़्यादा देर वो बिताने की कोशिश भी करता है। साथ ही साथ गर्भ के अंदर बहुत ही कम स्पेस मिलता है बच्चे को, इसीलिए बच्चा इस तरीके का अपना जो नेचर है वो आपको फील कराता है मूवमेंट के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, जो मान्यताएं हैं, जो बहुत बार मैंने भी सुना है, प्रचलन में है बहुत पुराने ज़माने से, उसमें ये बताया जाता है कि अगर बेबी की मूवमेंट लेफ्ट साइड ज़्यादा होती है तो बेटा होता है, राइट साइड ज़्यादा होते हैं तो बेटी होती है। बट मेरे कंडीशन में प्रैक्टिकली भी मुझे ऐसा नहीं हुआ। मुझे बेबी गर्ल थी, लेकिन लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा फील होता था, और या तो पूरे पेट में फील होता था। इसी वजह से जो महिलाएं मेरे पास ऐसे कमेंट्स करती हैं, तो मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं। और मेडिकल रिसर्चेस ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं करती है कि आपको बेबी मूवमेंट से पता लग जाएगा कि घर में क्या है, बेटा या फिर बेटी है। इसीलिए आप ऐसी किसी भी बातों को, मिथ को 100% सही ना माने, और अपनी प्रेगनेंसी को पूरा एंजॉय करें। बच्चे को मूवमेंट कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, कम हो रही है, इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि मूवमेंट से पता लगता है कि बच्चा कितना स्वस्थ है। मूवमेंट अगर बहुत अच्छे से होती है, आपको बार बार फील होता है, इट मीन्स आपका बेबी बहुत हेल्दी है। अगर मूवमेंट दिन भर में बहुत कम महसूस होती है या फिर ना के बराबर, तो आपको तुरंत उस समय डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए,
ऐसी कंडीशन में हो सकता है बच्चे को ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेशन से भरी हुई थी, इंफॉर्मेटिव थी। तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी और कुछ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानना चाहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अपना पूरा ध्यान रखिए, चेक किया दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।